अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अनदर व्लॉग जो है वो उसको शुरू करते हैं। गाइस अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। इस साइड पे देखें सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, उस साइड के ऊपर देखें ये थोड़ी आपको यहाँ पे धुंध सी जो है ना फोग सी फील हो रही, बट एक्चुअली ये फोग नहीं है, ये रेन है। ये उधर से जो है वो बारिश स्पीड से हमारी साइड पर आ रही है। आप इसको सिर्फ देखते जाइए अगर आप बहुत अमेज होंगे कि जो है वो नेचर हैज़ इट्स ओन टेस्ट। कितना मतलब ब्यूटीफुल ये सीन है कि इस तरह बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। अब देखिए यहाँ ऊपर पहाड़ों के ऊपर फिर यहाँ पे आना शुरू हो गया काम, बट इस साइड से यू नो दिस इज़ लाइक अ स्टॉर्म, यू नो रेन स्टॉर्म विच इज़ कमिंग टुवर्ड्स अस। तो अब अभी चीज़ देखिएगा एंड यू वुड बी अमेज्ड ऑफ दैट। अब तो यहाँ पे बारिश ऐसा ऐसा स्टार्ट हो गई है, जैसे जैसे वो करीब आ रहा है बारिश, देखिए ऐसा ऐसा देखिए बारिश इसके ऊपर स्टार्ट हो गई है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आप इन माउंटेंस के ऊपर देखें तो ये फुल्ली जो है वो अब इसके अंदर छुप गए हैं, दे आर लाइक डिसअपियर्ड। अभी देखें यहाँ पे बारिश ऐसा स्टार्ट हो गई है, बिकॉज़ वो जैसे जैसे वो स्टॉर्म हमारे करीब आना शुरू हो रहा है तो साथ साथ जो है वो भी रुक रहा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। तो हम यहाँ पे जितने भी डोर्स वगैरह हैं ऊपर इनको ज़रा क्लोज कर लेते हैं कि ना कि बारिश आने से ही आपस में जो है वो, क्योंकि ऊपर हवा बहुत तेज़ होती है ना, इसलिए ये आपस में भी टकरा सकते हैं। इसको भी कर लेते हैं हम बंद, और वो देखें अभी जैसे जैसे वो हमारे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जो है वो बारिश की इंटेंसिटी में भी ऐसा ऐसा इजाफा हो रहा है और ऐसा ऐसा हवा भी चल रही है। पता नहीं आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा या नहीं, बट अगर आप इसको फुल क्वालिटी में वीडियो प्ले कर पाएँ तो आपको दिखेगा। और अब ये देखें यहाँ पर अभी देखें थोड़ी थोड़ी हवा भी जो है वो तेज़ हो रही है, अब हवा भी तेज़ हो रही है और इसका ये मतलब है कि अब वो चीज़ वो स्टॉर्म हमारे ज़्यादा करीब आ रहा है। देखें बारिश भी एक मतलब स्पॉटेड हो रही है। अब अभी चीज़ देखिएगा कि इस पहाड़ों की जो ऊंचाई है चोटी है ये बिल्कुल समझ लें ये डिसअपीयर हो गई, मतलब यहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रहा है। ये जो एरिया आपको डिसअपीयर होता हुआ दिख रहा है इसका मतलब ये कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है, और देखें हमारे करीब करीब आ रहा है तो उसकी इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है यहाँ पे जितनी बारिश हो रही है, और साथ साथ जो है वो ऊपर मतलब आपको इन सारी चीज़ से ये फील हो रहा है कि ये चीज़ हमारे करीब आ रही है। तो हमेशा ऐसा ही होता है, अक्सर इस साइड से आता है जब स्टॉर्म आता है या फिर अक्सर इस वाली साइड से आता है, इन दो साइड्स में से किसी भी साइड से आ सकता है। ये देख लें अभी जो है वो बारिश बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, मगर अभी भी उतनी इंटेंसिटी से स्टार्ट नहीं हुई जितनी इंटेंसिटी से वहाँ पे है, मतलब अभी फुली जो है वो स्टॉर्म अभी हमारी साइड के ऊपर मूव ऑन नहीं हुआ। और इस साइड भी मतलब अभी मैं आपको ज़रा बाहर जाके दिखाता हूँ, हालांकि बारिश हो भी रही है तो अभी एक देखेंगे कि इस साइड के ऊपर जो है वो बारिश हो रही है इस पूरे एरिया के अंदर, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो फुली स्टॉर्म आया हुआ है। और अगर आप देखेंगे इस वक्त शायद HD क्वालिटी में अगर वीडियो प्ले हो रही है तो आप देखेंगे कि ड्रॉपलेट्स अभी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं, बट अभी उस तरह से जो है यहाँ पे बारिश स्टार्ट नहीं हुई, बारिश जो है वो भी मुकम्मल तौर पर स्टार्ट हो चुकी हुई है। और सामने वाली मस्जिद से अजान की आवाज़ भी आ रही है, तो अजान पहले होने देते हैं फिर ब्लॉग को जो आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं किसके लिए, दूध लाने के लिए। तो अब अभी ऊपर मौसम देख लें, थोड़ा सा बादल अभी भी आए हुए हैं। बिस्मिल्लाह चले आराम आराम से जा, जंप हुआ तो मेरी बाइक मोटरसाइकिल हाथ से देखा, थोड़ा स्केट मारता है मोटरसाइकिल इधर ना, वो इसकी ब्रेक है पिस्टन नहीं डली हुई ना। अच्छा वो बंदा हल्की सी भी दबाया अगर तो वो थोड़ी स्केट मारती है। जो है वो दूध अभी यहाँ से उठा लिया है, अभी इस साइड से आए थे ऊपर पहाड़ों के सामने, जरा व्यू आप चेक कीजिए। आ गया यार, बस यहाँ से भी थोड़ा काम में जरा ATM के जाना है, वो मैंने पैसे निकाल। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ चला चला चला, बस मुझे इतना ही शौक होता है बस एक आध बार के चला के। जी गाइस पैसे जो है वो डिपॉजिट हो गए हैं, अब हम लोग जो है वो यहाँ से ऊपर एक शॉर्टकट आपको दिखाएंगे, लेकिन उस गली में काम चल रहा है मेरे ख्याल से आगे से ऊपर हो जाएंगे। ये हमारे शहर का समझ लीजिए मेन बाजार है, बहुत पुराना बाजार है, कदीम बाजार है, बहुत बहुत पुराना बाजार है ये, ख्वाजा बाजार, ख्वाजा बाजार ख्वाजा। अब यहाँ से ऊपर होंगे हम, देखिए कितने ही हैं गली है, काम तो नहीं चल रहा, शुक्र खत्म हो गया। यहाँ से हम लोग लेंगे पकड़ानियाँ,
गाइस कि जैसे ही हम लोग उस स्ट्रीट से ऊपर हुए ना, एकदम से जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी हम लोग बहुत जो है वो बारिश में भीग रहे हैं, मोबाइल में भी पानी जा सकते हैं, इसलिए बस अभी हम लोग वीडियो नहीं बनाते, आगे जाके फिर वीडियो बनाएंगे। गाइस ये देखें जी, ये हम लोग वहाँ से आ रहे थे, ये हमने इधर एक पेट्रोल पंप के ऊपर थोड़ा आसरा रख लिया है, यहाँ से सब लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। तो इतनी ज़्यादा बारिश तेज थी पीछे, तो फिर थोड़ी हल्की भी बारिश, लेकिन यहाँ उससे भी ज़्यादा तेज़ थी। अली क्या हुआ बहुत ज़्यादा यार, यहाँ से आगे 2 मिनट के नीचे फासले पे बिल्कुल बारिश नहीं थी। क्या हाल है, मोबाइल सही है? अभी तक तो नहीं गई, अच्छा चलो बचा दो, बस थोड़ी सी बारिश हल्की होती है फिर यहाँ से निकलते हैं। ज़रा सीन देखें यार, वो पहाड़ों पे देखें फुली तेज़ है, वो बारिश का समय है। से रुकने के बाद एक कंसेप्ट और जहन में आया कि क्यों ना मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोल, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी करवा लिया जाए, तो ये चलो अच्छी बात है थोड़ा। हाँ नहीं ठीक है, बाइक में करवा लो, ये ना हो कि बाइक अगे वो देख लें, ऐसे आप लोग निकलने लग गए, लेकिन बारिश अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ है। सामने अगर आप देखेंगे तो उस तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा से बारिश का तूफान, आज दिन को ही थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन अभी अचानक से बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। इस बारिश में भीगने के बाद अभी हम लोग आ गए चिप्स वाली दुकान पर, यहाँ पे चिप्स खा रहे हैं, और बारिश भी हल्की हल्की जो है वो अब थोड़ा उसकी इंटेंसिटी हो चुकी भी कम, लेकिन वो सामने वाली जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इधर अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश है। बस खाते हैं और निकलते हैं फिर। जी गाइस बहुत ज़्यादा बारिश में भीगने के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सही सलामत घर आ गए हैं, और अभी तो लाइट है, और ज़्यादा थोड़ी देर बाद जो है वो लाइट चली जाए, और बैठ कर मैं आपको सीन दिखाता हूँ। बाहर अभी भी जो है वो बारिश हो रही है, अगर आप ऊपर इस तरफ देखोगे तो यहाँ भी अभी क्लाउड्स हैं, शायद अभी आपको सही से भी ना आ पाए, और हल्की हल्की हवा भी जो है वो चल रही है। 8 बजे वैसे भी यहाँ से बिजली चली जाएगी, और मैं कहीं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज सुबह जो था ना वो इस साइड से, जहाँ पे भी आपकी तरफ मतलब मैंने कैमरा किया ना जिस साइड पे, इस साइड से आज दिन को बारिश आ रही थी, फिर इस साइड से आई है, लेकिन इसने इतनी कोई तवाकारी नहीं मचाई, लेकिन जो इस साइड से आई थी ना, इस वाली साइड से, अब आप वो पता नहीं देख पाया गया नहीं, जो इस वाली साइड से बारिश आई थी ना, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट किया। अभी देखो ऊपर हल्का का जो थंडर स्टॉर्म जो है वो फील हो रहा होगा आपको, यहाँ पे कोई पता नहीं होता, किसी भी टाइम के ऊपर बारिश स्टार्ट हो सकती है, और किसी भी टाइम के ऊपर जो है वो तूफान आ सकते हैं, आंधियाँ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप कश्मीर आए तो वेदर को लाजमी कंसीडर कीजिएगा, बेशक कभी आप अभी एक्चुअली ये समर चल रहा है, और कल 37 डिग्री जो है वो सेल्सियस टेम्परेचर था यहाँ का, और आज एकदम से जो है वो बारिश होगी, और फिर से जो है वो ठंडक आहिस्ता आहिस्ता महसूस होनी शुरू होगी। और अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने फ़ैन जो है वो नहीं चलाया हुआ, क्योंकि मुझे हल्की की ठंड महसूस हो रही है, तो इतना फ़र्क है, यानी कि विदिन 24 आवर्स इस हद तक जो है वो टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप हो सकता है। गाइज अभी हमें ये चीज़ समझ में आई है कि अली का एक हद कबूतर फिर इधर से आज मिसिंग है। हाँ अली कि क्या मसला हुआ, कहाँ से गुम हुआ यार? गाइज यहाँ से अंदर पता नहीं हुआ है, चल ये वाले तो हैं सारे इधर ही बैठे हुए हैं, अब क्योंकि ना इसके एग्जाम आ रहे थे, उसने भी थोड़ा उनके ऊपर तवज्जो देनी जरा कम की थी। किन का बच्चा घुमा? ओहो गाइज यार कबूतरों की यार, बंदे की बरादत हो जाए ना, फिर कोई ऐसी वैसे हादसा हो तो बंदे को बड़ा दुख होता है यार। चलो कोई नहीं, अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया, आगे से जरा ध्यान रखना। हाँ हो सकते ऊपर छत पे ना हो, उस जगह पे ना हो, उधर से जाके देखें। गाइस अभी हम लोग जो है ऊपर जाके छत पे देखेंगे, क्या पता हो सकता है वहाँ पे किसी मतलब सुराख वगैरह में ना घुस गया हो, तो लेट्स गो। और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अभी हम लोग जो है वो गैलरी वाली तरफ जाके देखेंगे, हो सकता है मतलब उस साइड पे हो। क्या हाल अली? हाँ गाइस छोटे थे, उनको इतनी ज़्यादा जो है वो केयर की ज़रूरत होती है, बट अली के एग्ज़ाम थे, अली ने एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी थी, तो एग्जाम अभी भी हैं, तो वही कह रहा हूँ ना अभी होंगे, तो बस जूती लेके ऊपर तो ना, अभी इस तरफ देखेंगे कि शायद यहाँ पे ना हो यार। आज बड़ी अजीब खबर सुनाई यार, लाइट तो लेके आ गया, ये है ना लाइट, इसकी कीले भी हैं, इसे पाँव भी लग सकता है। कहाँ पे हो तक तेरे मद मुकाबल तेरी सोच के हिसाब से, ये जो गाइस आप होल देख रहे हैं, ये पीछे से जगह पूरी खोखली के अंदर, यहाँ पे अक्सर वो आ जाते होते हैं, बट अभी तो मुश्किल ही है यार। और देख रहे हैं बिल्कुल बारिश हुई हुई, और अली यहाँ से, अली आराम से यार से नीचे गया, थोड़ा बचा के अपने आप को, है
वो देखी पहले तूने? ले यहाँ के देखते हैं। नहीं यार यहाँ तो नहीं है कहीं भी। इधर ऊपर भी नहीं है, ये नीचे हमारा कैज है, नहीं है तो फैल भी इधर तो ध्यान से आना यार। तो गाइस आज पता नहीं कहाँ गया यार वो, इससे पहले भी बहुत जो है वो कबूतरों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो पता नहीं मेरे ख्याल से इसको कोई बिल्ली वगैरह ना लेगी हो यार। शायद मेरे पास भी सबसे बेहतरीन जोड़ा था वो भी इस तरह घुमा था, पहले फीमेल घूमी फिर मेल घूम गया था वो। इसकी नीचे कीले ध्यान से आई। गाइस ये हमारा नेबरहुड है, ये घर, ये हमारा घर हो गया, ये हमारे हमसाये का, ये इसके पीछे भी हमारा हमसाये का, ये तो ये सारी हमारी सोसाइटी है। अभी तो खैर सही से देख रही ही नहीं रही होगी, तो बाद में जो है वो हम आपको दिखाएंगे। अली यार जूतियाँ जो है ना वो उठा के हाथ में लेके जाओ यार, ऐसे मत लेके जाओ यार, पूरी कालीन की माँ बहने को होगी यार। तो गाइज दैट्स इट फॉर द डे, और होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, ताकि इस तरह के दूसरे इंटरेस्टिंग व्लॉग आपकी खिदमत में वक्तन फवक्तन पेश होते रहें। तो अपने और अपने चैनल का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।